सर्राफा बाजार में चोरों ने दो दुकानों के ताले तोड़े, एक में चोरी। चोरी की घटनाओं को लेकर दुकानदारों में आक्रोश, विरोध में दुकानें रखी बंद, प्रदर्शन करते हुए पहुंचे पुलिस थाने। बाड़ी शहर में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं और ये रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला बीती रात सर्राफा बाजार बाड़ी का है, जहां चोरों ने दो दुकानों के ताले चटकाए हैं, जिसमें से चोर एक दुकान में चोरी की वारदात करने में सफल रहे, वहीं दूसरी दुकान का सेंटर लॉक नहीं खुलने से चोरी की वारदात नहीं हो पाई। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के विरोध में दुकानदारों ने सोमवार सुबह बाड़ी का सर्राफा बाजार बंद रखा। साथ ही दुकानदार एवं व्यापारी विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस थाने पहुंचे, जहां थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया है। जानकारी के अनुसार सर्राफा बाजार बाड़ी में चवरिया पाड़ा को जाने वाली गली में दो दुकानों पर चोरी करने का चोरों ने प्रयास किया। इनमें से एक दुकान का सेंटर लॉक नहीं खुलने से चोरी नहीं हो सकी, वहीं दूसरी दुकान में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित अमित देवधर पुत्र प्रताप देवधर ने बताया कि उनके यहाँ सोने चांदी की रिफाइनिंग और गलाई पकाई का काम किया जाता है। रविवार की देर शाम वे दुकान बंद कर घर गए थे। आज सोमवार सुबह उन्हें दुकान का आधा शटर खुला मिला और सामान बिखरा हुआ मिला। दुकान से चोर करीब 7,000 की नकदी, 250 ग्राम चांदी और 7 ग्राम सोना चुरा कर ले गए। वहीं बगल में मनोज वर्मा उर्फ लल्लू पुत्र रामदयाल वर्मा की दुकान को भी चोरों ने तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसमें सफल नहीं हो सके। सर्राफा संघ के महामंत्री हरिशंकर मंगल ने लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर विरोध जताया। गली चमरिया पाड़े में हमारे दो सदस्य के दुकानों के ताले टूट गए और चोरों ने एक दुकान पर वो सफल हो गए और वहाँ से सामान को उन्होंने चुराया। दूसरी दुकान पर उन्होंने तालों को तो तोड़ा, लेकिन वो किन वजह से असफल हुए ये हम पता नहीं, लेकिन ऐसा दिख रहा है विगत कुछ दिनों से ताबड़तोड़ वारदातें बाड़ी के अंदर हो रही हैं। यह बहुत सोचनीय बात है और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर एक प्रश्न चिन्ह है। कुछ दिनों से दुकानदारों पर वारदातें हो रही हैं और जब कहते हैं तो वो इन्वेस्टिगेशन का हवाला देते हैं। एक वारदात मेरे साथ भी हुई थी 25 अक्टूबर को, जिसका मैंने रिपोर्ट भी दर्ज कराई, FIR भी कराई। बराबर संपर्क में रहने से केवल एक ही बात मिलती है कि हमने मुलजिमों को ट्रेस कर लिया है, लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस हमें साथ नहीं देती। ये क्या कारण है जब पुलिस का साथ नहीं दे रही है? क्या हम साथ देंगे? कौन देगा इसका? पुलिस की कार्यप्रणाली बिल्कुल परे है, समझ से परे है। जब तक पुलिस का खौफ और इकबाल बुलंद नहीं होगा तो अपराधियों में उनका भय कतई नहीं होगा। इस वक्त जो हो रहा है, जनता पस्त, अपराधी मस्त और पुलिस सुस्त, ये हो रहा है। 9 बजे दुकान पे आए तो ताला खुले डरे थे, अंदर का सामान बिक रहा था, 250 ग्राम चांदी और 6-7 हजार रुपए नकदी ले गए। कितनी दुकान के ताले टूटे? दो दुकान के ताले टूटे, नेक्स्ट दुकान शटर खुली होती तो अंदर जाके देखा तो सामान बिक रहा था सब।